दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बचपन में जो हम थैले में कुल्फी खाते थे, वही कुल्फी आज हम घर पर भी बना करके तैयार करेंगे और बिल्कुल बाजार जैसी टेस्ट, बाजार जैसा लुक आएगा। इसका कलर देखिए कितना शानदार है, बिल्कुल बाजार जैसा। और इसे हमने किस तरीके से बनाया है, बिल्कुल कम सामानों में ही हमने इसको बना करके तैयार किया। तो पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम इस कुल्फी को बनाना सीखेंगे। तो आइए झटपट से ये मलाई कुल्फी बनाना सीखें। बनाने के लिए हम लोहे की कढ़ाई का यूज करेंगे, इससे बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट आएगा, जैसा हम थैले वाली कुल्फी खाते हैं वैसे ही। तो जब भी आपको ऑथेंटिक रेसिपी बनानी हो तो उसमें आप बर्तन जो है लोहे का यूज करेंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा। तो इसके लिए हम भारी तले की बड़ी लोहे की कढ़ाई ले ली, इसमें हम 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 लीटर कच्चा फुल फैट क्रीम दूध, यानी जो भी अच्छा दूध हो गाढ़ा वो दूध यूज करेंगे। तो इसमें मैं 2 लीटर दूध यूज कर रही हूँ। दानेदार कुल्फी बनाने के लिए हमें दूध को कच्चा ही यूज करना है। पहले से उगले हुए दूध में क्या होगा कि मलाई अलग हो जाती है, तो उससे हमारा दानेदार टेक्सचर नहीं आता है कुल्फी में। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कच्चा दूध यूज करें। इस दूध में हम तेज आंच पर एक उबाला आने देंगे और इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा नीचे चिपके नहीं। तो एक उबाला आने देते हैं इसमें। अब इस दूध में एक उबाला हल्का आ चुका है। अब हम मीडियम की लो फ्लेम पर इस दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और इसे कम से कम आधा होने तक गाढ़ा करेंगे। और इसके ऊपर जो मलाई आएगी उसे हम साइड में लेते रहेंगे ताकि हमारी जो कुल्फी है वो दानेदार बने और उसमें मलाई का टेस्ट आए। तो अब इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से चलाएंगे और इसे हम गाढ़ा होने देंगे। तो आँच हम मीडियम टू लो कर लेंगे। थे में हम चीनी की जगह ये धागा मिश्री यूज करेंगे, ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, टेस्टी भी लगता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मी में हम जब इसका यूज़ करते हैं तो बहुत फ़ायदा रहता है बॉडी के लिए। तो इसमें हम कुल्फी में ये धागा मिश्री, जिसमें धागा रहता है, ये वाली मिश्री यूज़ करेंगे। आप मिश्री की जगह खांड भी यूज़ कर सकते हैं, खांड से भी अच्छा कैरेमल वाला कलर आएगा, लेकिन हम आज मिश्री से ही कैरेमल बना करके यूज़ करेंगे। को मैं तोड़ करके मिक्सी में पीस लूँगी, तो ये आधा कप ले लूँगी मैं इससे। एक पैन में हम कोशिश करेंगे, नॉन स्टिक पैन लें, उसमें हम ये आधा कप जो मिश्री हमने ली है इसका हम कैरेमल तैयार करेंगे। तेज आंच पर हमने इस मिश्री के पाउडर को फैला दिया है और अभी हम थोड़ी देर इसको हिलाएंगे नहीं, अपने आप मेल्ट होने देंगे। अब थोड़ा थोड़ा हमारा ये मिश्रण मेल्ट होने लगा है, तो अब हम इस तरीके से चम्मच से चलाएंगे और इसको कलर चेंज होने तक इस तरीके से चलाते रहेंगे। आंच अभी हम तेज ही रखेंगे। तो देखिए दूध भी हमारा अच्छे से उबल उबल के अच्छे से गाढ़ा होने आया है और इसकी जो मलाई है उसको हम साइड में करते जा रहे हैं, तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी रेशेदार होगा और वही हमें चाहिए, क्योंकि इसमें हम कोई मावा वगैरह या मिल्क पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसको होने देते हैं थोड़ा और गाढ़ा। तो देखिए कलर चेंज होने लगा है हमारे कैरेमल का, और इतना ही कलर हमें चेंज करना, डार्क कलर होता है तो अच्छा लगता है। और इसका जो कलर है बाद में धूप में जाने के बाद बिल्कुल बाजार वाला कलर आता है जो बाजार में हम खाते हैं। और इसको अच्छी तरीके से पूरा मेल्ट होने देंगे। आँच इस टाइम अब हम कम कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तो पूरी तरीके से मेल्ट हो गया, इसमें हम 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। और अगर लम्स बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये वापस से धूप में जा करके जब मेल्ट होगा तो ये वापस बराबर हो जाएगा। वो इसको इस तरीके से चला रहे हैं और अब हम गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी का पकना भी ज़रूरी है वरना क्रिस्टल हो जाएंगे हमारे कुल्फी में। तो देखिए एक गाढ़ा सा मिश्रण हो गया, गैस हम बंद कर देते हैं, इसको कंटिन्यू चला रहे। तो दूध भी हमारा देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसमें डाल देते हैं हम अपना ये कैरेमल वाला मिश्रण। इस कैरेमल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। इस टाइम आप इसका मीठापन चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा तीखा रखेंगे मीठापन, क्योंकि ठंडा होने के बाद कुल्फी में हमें मीठा अगर कम होता है तो वो ज़्यादा कम लगता है। तो आप इस टाइम रखेंगे थोड़ा सा तीखापन, अगर कम लग रहा है तो आप इस टाइम मिश्री ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम डाल देंगे इलायची, ये ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची पसंद नहीं है और कैरेमल की खुशबू अच्छी लगती तो सिर्फ कैरेमल का खुशबू के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इलायची डालूंगी ताकि थोड़ा और रिच टेस्ट लगे इसमें। और इसको हम थोड़ा सा और उबाल के अच्छे से थोड़ा गाढ़ा और होने देते हैं।
तो जितना गाढ़ा हमें चाहिए उतना हो चुका है, इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वो ज़्यादा गाढ़ा इसको कर देंगे तो कुल्फी जमने में दिक्कत आएगी। और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा होगा, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको हम रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देते हैं। थोड़े से हम पिस्ता डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे अच्छा लगता है इसमें, अगर आपको पसंद नहीं तो ना डालें। और थोड़ा सा बादाम की चूरी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे हम मोल्ड में डालेंगे। आज हम जो थैले वाली कुल्फी मिला करती थी बचपन में, लंबी वाली, वो वाले मोल्ड यूज़ कर रहे हैं। ये बाज़ार में अवेलेबल है, ये आप बनवा भी सकते हैं, जो लोहे का सामान बनाते हैं ऑर्डर पर बनती है। तो इसमें मैं जमाऊंगी, अगर आपके पास ये नहीं है तो जो एल्यूमिनियम के दूसरे मोल्ड होते हैं, या कोई भी ग्लास ले लें या डिस्पोजल कप ले लें, उसमें भी आप जमा सकते हैं। तो इसमें जमाएंगे। इन सब मोल्ड्स को खड़ा करने के लिए कोई भी एक गहरा बर्तन, ग्लास या जग ऐसा कुछ ले लें ताकि ये इस तरीके से होल्ड हो सके। तो हम एक एक मोल्ड में ये मिश्रण भरेंगे। कैसे देखिए सेट हो गए, और इनको हम अभी बिना कोई फॉइल पेपर लगाए ऐसे ही हम ओवरनाइट सेट होने के लिए रखेंगे। और इसमें जो स्टिक लगाएंगे, ये थोड़ी सी आधे घंटे बाद थोड़ी सी सेमी सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें लंबी स्टिक लगा देंगे। अगर स्टिक नहीं तो हम इसमें पतली कोई भी चम्मच भी लगा सकते हैं। इनको सभी को सेट होने के लिए रख देते हैं ओवरनाइट। तो ओवरनाइट रख करके हमारी ये देखिए कुल्फी काफ़ी अच्छी से सेट हो गई है, और अब इसे हम निकालेंगे। निकालने के लिए हम दुकानदार वाला मेथड ही अपनाएंगे। इसके लिए हम एक किसी ग्लास में, गहरे बर्तन में पानी लेंगे और इसको हम इसमें घुमाएंगे। इससे हमारी कुल्फी जो है थोड़ी ढीली हो जाएगी और आसानी से बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से घुमाया और थोड़ा सा हम इसको हाथ से रब करेंगे, तो देखिए आसानी से ये बाहर आ जाती है। देखिए कितनी क्रीमी हमारी बनी है और खूब अच्छे से सेट हुई है हमारी कुल्फी। तो इस तरीके से मैं ये देखिए इस तरीके से मैंने निकाल ली सर। से भी हम बारीक पिस्ता से इसको गार्निश कर देंगे। तो आप भी इस गर्मी में इस कुल्फी को इस तरीके से बना करके जरूर देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।